दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आपके पास भी IPPB यानी इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का अकाउंट है, वह अकाउंट के रिगार्डिंग आपको किसी भी प्रकार की कोई भी क्यूरी हो और वो आपको अगर इसके कस्टमर केयर को जो है कॉन्टेक्ट करना हो तो इसके कस्टमर केयर का टोल फ्री नंबर क्या है, दूसरा कस्टमर केयर की जो ईमेल आईडी है वो क्या है, तो वीडियो में मैं आपको कंप्लीट प्रोसीजर बताऊंगा। तो वीडियो को देख के आप भी इसके कस्टमर केयर को टोल फ्री नंबर पर कॉन्टेक्ट करें या फिर ईमेल जो है इसके कस्टमर केयर को ईमेल करें। IPPB कस्टमर केयर से जो है टोल फ्री नंबर पर या ईमेल पर बात करने के लिए सबसे ज़रूरी है कि इसका ईमेल या टोल फ्री नंबर हमारे को मिले कहाँ से। तो इसके लिए आपको ज़रूरी है कि आपने जो IPPB की मोबाइल ऐप आपके फ़ोन में इंस्टॉल कर रखी है उसी में हमारे को इसका जो है टोल फ्री नंबर भी मिल जाएगा और जो इसका ईमेल है वो भी हमारे को मिल जाएगा। तो इसके लिए आपको ऐप को जो है सबसे पहले ओपन कर लेना है, इसमें जो एमपिन आपने सेट कर रखा है एमपिन डाल देना। भूल गए हो एमपिन किसी कारणवश तो फॉरगेट एमपिन पर जाके आप इसके एमपिन को रीसेट कर सकते हो। तो अभी जैसे ही मैंने एमपिन डाला, एमपिन डालते लोडिंग होगा और इस तरह का IPPB का जो पेज है वो क्लिक के शो हो जाएगा। तो इसमें फंड ट्रांसफर, UPI सर्विस और भी कई ऑप्शन दिए हुए हैं, तो आप उनका भी जो है फायदा ले सकते हो। अभी हमारे को इसके कस्टमर केयर से कॉन्टेक्ट करना है तो आप इसके लेफ्ट साइड में टॉप में देख सकते हो 3 लाइन बनी हुई है। तो जैसे ही आप इन 3 लाइन के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करोगे, क्लिक करते यहाँ पर हमारे को कई सारे ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे, जैसे होम, माई प्रोफाइल, चेंज एमपिन, चार्ज, अकाउंट अपग्रेडेशन और कॉन्टेक्ट अस। तो कॉन्टेक्ट अस के ऑप्शन के ऊपर जैसे ही हम क्लिक करेंगे, क्लिक करते ही इसके जो है नंबर हमारे को मिल जाएंगे। तो आप देख सकते हो जैसे मैंने कॉन्टेक्ट अस पर किया, यहाँ पर इसके कस्टमर केयर के नंबर भी मिल गए और ईमेल भी मिल गया। तो सबसे पहले फॉर क्यूरीज और कंप्लेंट डायल 155-299, चार्ज में अप्लाई एज पर योर टेलीकॉम प्लान। अगर दूसरा आपको ट्रांजेक्शन और ब्लॉक डेबिट कार्ड के रिगार्डिंग कोई क्यूरी है ट्रांजेक्शन के रिलेटेड, तो 1800-8899-860 पर भी आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो। दूसरा इसका ईमेल भी दिया हुआ है, contact@IPPBonline.in, तो आप इसको जो है ईमेल भी कर सकते हो, अपने रजिस्टर्ड ईमेल द्वारा आप ईमेल भी भेज सकते हो। अभी कई बार क्यूरी क्या होती है कि इसके कस्टमर केयर को कॉल लगता नहीं है, ज़्यादातर जो 155-299 है तो इसको कॉल लगाने के लिए आपको क्या करना है कि आपके फ़ोन में जो है टॉपअप बैलेंस डालना है, तभी इसके कस्टमर केयर के साथ जो है कॉल कनेक्ट करके आप अपनी क्यूरी का हल निकाल पाओगे। वरना हम जो आज के टाइम में जो रिचार्ज करते हैं 28 डेज, 56-84, इस जो है इससे हमारा इसके कस्टमर केयर से कनेक्टिविटी नहीं हो पाएगी। तो कस्टमर केयर से कनेक्टिविटी करने के लिए आपको जो है टॉपअप बैलेंस डालना पड़ेगा और उसी के बाद में हम जो है कॉल लगाएंगे तो कॉल लग जाएगा। ये था मेरा छोटा सा वीडियो, फिर भी इसके रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी हो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखे। थैंक यू दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें व मेरे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो अगेन। थैंक